आप बिना कार्ड के ही एटीएम से पैसे निकाल सकेंगे, यानी अगर आप यूपीआई ऐप का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एटीएम कार्ड रखने की जरूरत नहीं होगी। बैंक ऑफ इंडिया ने यूपीआई क्यूआर कोड ट्रांजैक्शन को लॉन्च किया है। ये सिस्टम कैसे काम करेगा बता रहे हैं हमारे सहयोगी अनुराग शाह। देश भर में एटीएम विड्रॉल के दौरान धोखाधड़ी की, एटीएम के क्लोन होने की खबरें आती हैं, तो इसी को ऊपर अंकुश लगाने के लिए अब जो बैंक्स हैं कंपनियों के साथ मिलकर नई टेक्नोलॉजी लेके आई है जिसे क्यूआर बेस्ड विड्रॉल भी कहा गया है। तो ये किस तरह से काम करेगा उसका अब छोटा सा डेमो हम आपको बताते हैं। जो आपकी एटीएम मशीन है वहाँ पर जो ऑप्शन होता है उसमें जाकर आपको क्यूआर कैश सेलेक्ट करना है। QR कैश सेलेक्ट करने के बाद आपके पास दो ऑप्शन होंगे, डिपॉजिट करने के और कैश विड्रॉल करने के। तो कैश विड्रॉल में जितना आपको पैसा निकालना है वो एंटर कर दीजिए, उसके बाद सेलेक्ट कर दीजिए, फिर ये QR कोड आ जाएगा। और फिर जो आपका मोबाइल ऐप है, UPI एनेबल्ड मोबाइल ऐप है, वहाँ पर जाकर आपको QR कोड को स्कैन करना है। कन्फर्म करने के बाद जो UPI का एम पिन होता है वो डालते ही ये ट्रांजेक्शन पूरा हो जाएगा और ATM मशीन से आप पैसे ले सकते हैं। तो इसमें कैश विड्रॉल और कैश डिपॉजिट दोनों QR के जरिए हो सकती है। तो इस पर ज्यादा बात करने के लिए मेरे साथ है AGS ट्रांजिट टेक्नोलॉजी के महेश पटेल जी। सर, ये जो नया QR कोड के जरिए जो विड्रॉल है, तो ये क्या केवल एक पर्टिकुलर बैंक से ही जुड़ा हुआ है या सभी बैंक इसमें जुड़ गए हैं? फिलहाल तो हमने बैंक ऑफ इंडिया के लिए किया है। जैसे ही NPCI इसको इंटरऑपरेबल बनाएगा ये सभी बैंकों से जुड़ सकता है। तो मतलब ये हो जाएगा कि जो भी आपके पास UPI एनेबल्ड ऐप है उसके जरिए आप किसी भी ATM से QR कोड के जरिए पैसे निकाल सकते हैं? जी, जब भी वो इंटरऑपरेबल होगा तब। तो डेबिट कार्ड के मुकाबले ये नई टेक्नोलॉजी है QR बेस्ड टेक्नोलॉजी, जिसमें आपको मोबाइल ऐप से ATM पे आने वाला जो QR है वो स्कैन करना है। इसका मकसद यही है कि जो कार्ड की क्लोनिंग होती है और ATM कार्ड के जरिए जो धोखाधड़ी की संभावना होती है उस पर पूरी तरह से लगाम लगाना। कैमरा पर्सन अमित गिरी के साथ अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। कई बार रेस में ये मायने नहीं रखता कि आप जीते या नहीं, देखा यह जाता है कि आप दौड़े कैसे, आपने हासिल क्या किया। इसलिए इसरो के चंद्रयान 2 मिशन के बाद न सिर्फ नासा बल्कि पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज ने इसरो की तारीफ की है। 3,84,000 किलोमीटर का सफर करके चंद्रयान 2 भले ही मिशन से 2.1 किलोमीटर दूर रह गया, लेकिन चांद की ओर से उसकी 3,84,000 किलोमीटर के शानदार सफर की पूरी दुनिया, पूरी स्पेस इंडस्ट्री कायल हो गई। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने ट्वीट किया, अंतरिक्ष कठिन है, हम चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो के चंद्रयान 2 मिशन को उतारने के प्रयास की सराहना करते हैं, आपने हमें अपनी यात्रा से प्रेरित किया है। यही नहीं, नासा ने इसरो के साथ काम करने की इच्छा भी जताई। नासा ने लिखा, उम्मीद करते हैं कि भविष्य में हमें सौर मंडल पर मिलकर काम करने का मौका मिलेगा। नासा के इसरो पर फिदा होने की वजह इससे भी समझ सकते हैं कि इसरो ने ही सबसे पहले मंगल ग्रह पर कामयाबी हासिल की थी। इसरो के चंद्रयान 1 ने ही सबसे पहले चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी के सबसे विश्वसनीय प्रमाण दिए थे और इसरो ही है जिसने चांद के दक्षिणी ध्रुव तक चंद्रयान 2 को भेजा, जहां अमेरिका, रूस और चीन भी नहीं पहुंच पाए।